हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी संडे राइड। सो माय फ्रेंड्स, ट्रेंड फॉलो करते करते हम वापस से आ चुके हैं रोड्स पे ऑन संडेज विद संदीप। सो एज ऑफ नाउ अभी कोई प्लान नहीं है, हमारे दोस्त थोड़ा आगे क्रशर जोन के पास खड़े हैं। आप लोग तब तक थोड़े सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। सो नाउ वी आर क्रॉसिंग द टोल एंड मुझे सामने दिख रहे हैं कुछ और बाइकर्स। यस, लेफ्ट में हैं बहुत सारे बाइकर्स एंड फाइनली मैंने अपने दोस्तों को स्पॉट कर लिया है। क्रशर जोन के पास थे वो लोग, चलो तो उनके पास चलते हैं। इन ट्रक से थोड़ा बच के चलना पड़ता है क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े पत्थरों से ये लोडेड रहते हैं। ये ट्रक्स इतना धूल उड़ा रहे हैं, देख रहे हो आप लोग। राइट साइड से होते हुए चलेंगे। यस, दोस्त दिख चुके हैं, देयर दे आर। मीट माय फ्रेंड्स, डोमिनार है, मोजो है, हिमालयन है, सार्थक ब्रो एंड ब्रदर सब ठीक। ये हैं अपने चैन ब्रदर, द गियर हेड ऑफिशियल के एडमिन। हाँ जी दीप, हेलो ब्रो। सो हमने प्लान अभी ये डिसाइड किया है कि हम आगे से एक स्पिन मार के आएंगे एंड उसके बाद चाय और मैगी खाने के लिए, पीने के लिए एक टपरी पे बैठेंगे। यस, ये देखो यहाँ पे आओ, ये जैकेट पहनने के बाद और लड़का स्मार्ट लग रहा है कि नहीं। ऑल राइट, ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स मेक अ मूव, चलते हैं आगे यहाँ से। All right, let's go. सामने देखो दोस्तों, चैन भाई का हेलमेट कितना मस्त लग रहा है, नियॉन कलर में, बहुत ही अच्छा। महंगी बातचीत, थोड़ी तो गर्मी लग रही है, थोड़ी ह्यूमिडिटी है, अब सही है, अब लग रही है ठंडी ठंडी हवा। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग कि वहाँ पे मैगी शैगी खाएंगे एंड उसके बाद का क्या प्लान रहेगा। वी आर प्लानिंग टू गो राइडर्स पैराडाइज कैफे एंड बहुत सारे बाइकर्स जा रहे हैं साथ में। सो लोकेशन हम लोग कर रहे हैं सेट एंड दी फ्लाई बाय दे रहा है। वाओ दोस्तों, ये देखो मिनी कूपर हमने स्पॉट कर लिया है। सो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस गाड़ी के बारे में। ये गाड़ी इंडिया में कॉस्ट करती है अराउंड 38 लाख पेट्रोल वर्जन। जितनी छोटी ये गाड़ी दिखती है उतनी पावरफुल गाड़ी है एंड अंदर से तो बॉस क्या लग्जरी होगी। जस्ट इमेजिन, फॉर्च्यूनर ले सकते हो आप या फिर ये।
रोड प्रेजेंस देख रहे हो, अलग ही चमक रही है ये। लेट्स सी वन थिंग, चयन भाई का लीनिंग एंगल देखते हैं। ये देखो वाओ। लेफ्ट में दीप और सार्थक ये सब बातें शादे करते हुए आ रहे हैं आराम आराम से। आज के लिए तो वी ऑल आर ब्लेस्ड क्योंकि आज मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, ज़्यादा धूप नहीं है, ज़्यादा क्लाउडी भी नहीं है, सो सब कुछ परफेक्ट है। हवा भी सही सही चल रही है एंड एज आई कैन चेक हम लोग अपनी डेस्टिनेशन के भी बहुत पास है। सुन जल्दी से चलते हैं वहाँ पे, भूख भी लग रही है, मैगी शैगी खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं सुबह सुबह। सो नाउ एज इट वॉज डिसाइडेड हम लोग अब निकल रहे हैं राइडर्स पैराडाइज कैफ़े के लिए। नया कैफ़े खुला है, वहाँ पे जाके चेक करते हैं कैसा क्या सीन रहेगा। एंड नाउ वी आर वेलकमिंग यू टू राइडर्स पैराडाइज कैफ़े। सो गाइज अभी हम हैं यहाँ पे राइडर्स पैराडाइज कैफे। तो थोड़े आपने सिनेमैटिक्स वगैरह देख लिए होंगे, ये एवरेज टाइप का कैफ़े है, मतलब कॉस्ट वगैरह खाने का सब कुछ ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, पार्किंग अवेलेबल है, सामने आप बाइक खड़ी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीटिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, सिस्टम है, खाना वगैरह आपको ठीक टाइम पर मिल जाएगा। अभी हम खाना खाने वाले हैं। ₹200 में एबव एवरेज है, सही सा लगेगा। रेड सॉस पास्ता है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और ज़्यादा चीप भी नहीं है, आप लोग खा सकते हैं यहाँ पे, अच्छा लगेगा, वर्थ है, ठीक है। तो गाइज आप लोगों ने आज का लाइनअप देख लिया होगा, होपफुली आज की संडे राइड आपको ठीक ठाक सी लगी होगी। तो आप प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अपने चैनल को। तो आज हमने राइडर्स पैराडाइज कैफ़े को एक्सप्लोर किया है, आपको दिखाया हमने कि यहाँ का कैफ़े वगैरह कैसा है, खाना वगैरह ठीक ठाक है कि नहीं है। सो अपना वीकेंड तो सुबह शुरू होता है और थोड़ी एक दो घंटे में हो जाता है ख़त्म। सबको बोल रहे हैं बाय बाय, यहाँ से ये लोग चले जाएंगे दिल्ली एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स फरीदाबाद, अपने घर को जा रहे हैं। लेट्स गो, अब घर की तरफ चलते हैं। वैसे ही बहुत लेट हो चुका है, अराउंड 11 बज रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो आपको पता है करना है क्या, लाइक करना है, कॉमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को करना है शेयर। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नई वीडियो में दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय।